अब मैं आपको सीधे लिए चलता हूँ मोमबत्ती बनाने वाले फैक्ट्री के अंदर की आखिर मोमबत्ती किस प्रकार से तैयार होती है। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहला सवाल आपका ये होगा कि मोम आपके टेबल पर जमा क्यों नहीं होता। तो इसका वजह है कि मोमबत्ती में उपयोग होने वाला मोम, मोमबत्ती में इस्तेमाल होने वाले मोम को एक्चुअल में पैराफिन होता है। ये एक ऐसी कुदरती चीज़ है जो कच्चे तेल से निकलती है। कच्चे तेल से पेट्रोल वगैरह डीजल वगैरह निकाल लेने के बाद हमें मोम मिलता है। ये बिल्कुल ही पेट्रोल की तरह होता है, लेकिन ये रूम टेम्परेचर पर जम जाता है। पैराफिन भी एक ईंधन होता है जिससे मोमबत्ती जलती है। इसके ऊपर पाने का कोई असर नहीं होता और ये करीब 65 डिग्री पर पिघलता है। इसी वजह से ये ज्यादातर मोमबत्ती पिघलने की वजह अपना आकार बनाए रखती है और ये कमरे के तापमान पर ही जम जाता है और ये करीब 65 डिग्री तापमान पर पिघलता है। इसकी वजह से ज्यादातर मोमबत्ती पिघलने की बजाय वो अपना खुद का ही आकार बनाए रखती है। इसके अलावा मधुमक्खी का मोम भी डाला जाता है, ये पैराफिन जैसा ही होता है, ज्यादा तापमान पर पिघलता है। और अब इन दोनों मोम को अच्छी तरह से पिघला लेने के बाद इसके अंदर डाला जाता है स्टेरिंग पाउडर और ये स्टेरिंग पाउडर वनस्पति और जानवरों की वसा से बनता है और ये मोमबत्ती के अंदर जैसे ही डाला जाता है तो मोमबत्ती इससे वो सख्त बन जाती है। और इसके बाद इसके अंदर डाला जाता है कालूदाव पेग और ये इसलिए डाला जाता है ताकि मोमबत्ती और सख्त बनी रहे और मोम जल्दी से पिघले नहीं, क्योंकि मोम होता है वो 65 डिग्री सेल्सियस पर पिघलना स्टार्ट कर देता है। तब जब उसकी लौ जलती है तब वो आसानी से पिघले नहीं। और इन सब के बाद जैसे ही इन सब को मिक्स किया जाता है मोम को, उसके बाद इसके अंदर बारी आती है कि रंग डाला जाए, क्योंकि अब मोमबत्ती को रंग देना ही उपयुक्त रहता है कि कौन सा रंग इसको दे। तब ये हमें नहीं बताया गया था कि इसके अंदर कितना रंग डाला जाता है, लेकिन इसके अंदर जो रंग डाला गया है वो लाल रंग इस्तेमाल करे और इसके अंदर डाला गया है हल्का सा काला कलर, क्योंकि ये दालचीनी के कलर जैसा वो बन जाए। अब उस कलर को अच्छी तरीके से गर्म तेल के अंदर मिक्स किया जाता है और ये तब तक मिक्स किया जाता है तब तक कि अच्छी तरीके से वो मिक्स नहीं हो जाए, क्योंकि अब हमें मोमबत्ती को एक अच्छे से कलर का रूप देना है। और अब चेक किया जाएगा कि जो हमने पिछली वाली मोमबत्ती तैयार की है और जो नया घोल तैयार किया है उसका कलर मैचिंग है या नहीं। उसके लिए एक उसके अंदर सूती धागा डाला जाएगा और उसके अंदर पूरी तरह से मिक्स किया जाएगा, मतलब कि उसको हिलाया जाएगा, उसको बाहर निकाला जाएगा और चेक किया जाएगा कि वो अच्छी तरीके से उसका कलर मैच हुआ या नहीं। अगर नहीं होता तो उसके अंदर और कलर डाला जाएगा, फिर उसको अच्छी तरीके से वापस मिक्स किया जाएगा। और अब एक आदमी डिपिंग रेब में सूती धागे लगा देता है और बाकी का काम करता है और हर रेब के अंदर तकरीबन 30 मीटर तक लंबा धागा लगाया जाता है और ये इतना लंबा धागा होता है कि फुटबॉल मैदान को आसानी से मतलब कि कैचअप कर सकता है। अब पिघले हुए मोम के अंदर इस डिपिंग यार्ड को डाला जाता है ताकि मोम अच्छी तरीके से चिपक जाए, मतलब कि ये हमें एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, जब तक एक मोम जो मोमबत्ती पूरी अपने आकार के अंदर नहीं आती है तब तक इसको अंदर बाहर है वो करते रहना है। और उसके बाद जब तक मोमबत्ती अपने सही आकार के अंदर नहीं आती है तब तक उसको डुबाया जाता है, वापस 10 मिनट के लिए सुखाया जाता है और वापस अंदर तब तक उसको डुबाया जाता है, मतलब कि एक मोमबत्ती सही आकार के अंदर अपने आ जाती है। तो यहाँ पर आपने देख लिया कि मोमबत्ती आखिर किस प्रकार से तैयार होती है एक बड़ी फैक्ट्री के अंदर, उसके अलग अलग सांचे भी आते हैं। लेकिन यहाँ पर दोस्तों ये एक स्पेशल तरीका होता है कि मोमबत्ती अपनी है वो वास्तविकता और विलासिता के साथ बिक सके। तो अब हम चलते हैं, देखते हैं कि अगर मुझे बिजनेस नए रूप के अंदर करना है तब किस प्रकार से करूँगा, देखिए वीडियो के अंदर।